स्टोमा का कैसा लगता है रात के और। तो गाइस ये चेक करें आप इसके पैसे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हम लोग आए हुए स्टोमा का चाय वाला भी आई है पूछने के लिए हम लोग से। सर्दी लग रही है तो चाय पी ले वरना तो जरूरत नहीं है। और अभी हम लोग अंदर ही आएंगे उसके बाद अंदर क्या दिखाते क्या सीन है स्टोमा का कैसा लगता है रात के और। तो गाइस ये चेक करें आप इसके पहले। दावत उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत उम्मत मेरी उम्मत उम्मत के इसी फिक्र में जलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख। तो गाइस हवा बहुत तेज चल रही है पता नहीं मेरी टोपी ओपी नहीं उड़ जाए। हाँ भाई तो सही टोपी पहने हुए टोपी पहनाने वाले आगे पीछे हो रहा हूँ लेकिन पत्थर बांध ली हूँ मैं। असल में अभी हम लोग आए थे बिल्कुल नोक पे पानी के नोक पे आए हुए और पीछे आप लोग देख लेंगे काफ़ी रश आ चुका है बिल्कुल एक मजमा है बहुत बड़ा मजमा है जो कि अभी हम लोग अंदर जाके कवर करेंगे और फिर उसके बाद दिखाएंगे कि अंदर का। चलिए अंदर चलते हैं फिर आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं कि क्या क्या सीन है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप ये स्टोमा का है और अभी हम लोग पहाड़ी पे हैं। तो ता भाई मैं तो बोलता हूँ यहीं से डायरेक्ट उड़ाते हुए निकाल लेंगे। बिल्कुल मैं गाड़ी स्टार्ट किया हूँ इसी चक्कर में तुम कैमरा बंद करो हम लोग डायरेक्ट अंदर होंगे। चलो चलो ये पूरा रात का और बयान चल रहा है ये देख सकते हैं। कैंटीन के अंदर चलना पड़ेगा चाय भाई पीना पड़ेगा। अली भाई चाय पिलाएंगे हम लोगों को ये गलत अली भाई तो ही कमा रहे हम लोग कहाँ कमा रहे गरीब इंसान है हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अली भाई हमें चाय पिला रहे हैं देखिए अली भाई है ना और बयान वगैरह सुनना है ना था भाई पूरी रिकॉर्डिंग चलेगी बस जा बंदे चेक कर सकते हैं बंदे देखें आप कितने बंदे मजमा चेक करें उस टाइम क्या था खाली हो रहा था दिन के वक्त जो हम लोग आए थे था भाई लेकिन आज जो है बहुत तवील था बहुत तवील था। अल्लाह हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत ताइफ में गए लेके अपने जीन की दावत उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत उम्मत मेरी उम्मत उम्मत के इसी फिक्र में जलने का। बयान वगैरह सुन लिए हम लोग ने वीडियो भी शूट कर लिए सुन लिए अब नमाज का टाइमिंग हो चुका है नमाज पढ़ के और घर के तरफ निकलते हैं। बकिया वीडियो आपको कल दिखा दे। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैंटीन का नाम भाई बहुत देर से पैदल घूम रहे भूख लग चुका है आप भूख लग चुका है क्या सिस्टम है तो गाइस ये चाय का सीन है पूरा और वहाँ से टोकन लिया जाता है और खाने पीने का भी यहाँ पे सब बैठने का ऐसे ही सीन है बैठते हैं सब ऐसे ही ये भाई लाइन बहुत है बहुत मुश्किल है। अभी हम लोग किताब खाने के करीब आ चुके हैं और ये वापसी जाने का रास्ता यहाँ पर है। हाँ पराग कहाँ जा रहे हो
भाई ये देखो ये भाई जिसको शॉपिंग करना है इधर से आगे जा सकता लाला भी मिल गए हमारे मस्जिद के पुराने साथी हैं तो लाला भी आए हैं हमारे साथ इस समय में इनको भी लेके आए जबरदस्ती हम लोग और ये हम लोग इनके प्रोटोकॉल में चल रहे हैं ये वापसी आने का रास्ता है और ये पराग भाई इनके खास खादी में लाला के और अली भाई इनके साथ आए हैं और मैं तो सबको लेके आया हूँ यहाँ पर बस तो नीचे ही भूल गए बाइक तो लेके आना है ना यही तो सबसे बड़ी गलती थी भूल गए पास इतने मुश्किल से अली भाई ने बहुत मेहनत किया पास दिलाने में भाई अली भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आप दिख रहे नहीं है अंधेरे में तो ताहा भाई कैसा लगा आपको देखकर वैसे पहले से कम रश हो गया ना ताहा भाई अब इसलिए हाँ रश नहीं जमा हम लोग से कितना करीब है तो ताहा भाई 10 मिनट का रास्ता पूरे अंदर घूमने तक यानी क्या यहाँ से तो 2 मिनट आप पहले गियर डालेंगे आधे रास्ते में अभी ये यहाँ पे पूरा काम हुआ भी नहीं था हाँ ताहा भाई फिर भी फराज भाई के दुकान में 2 बंदे कैंटीन लगाए हुए ताहा भाई अंडे वाला बर्गर खिला दिया भाई देखो बात सुनो जिसको अंडे वाला बर्गर खाना है फराज भाई का घर पीछे और सामने अंडे वाला बर्गर आप पता है क्या बोले थे क्या बोले थे बगैर इंसान वो है जिसके पास पैसा जिंगर बर्गर का और वो खाए अंडा बर्गर यानी कि तुम वही हो समझे तुम्हारे पास पैसा है बात दबाओ ये वाली बात दबाओ ये वाली बात दबा दो अंडे वाले बर्गर आ गए भाई हाँ तो तुम ले लो 3 प्लेट जल्दी से 3 प्लेट पहले पूछने तो दो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है स्टमक के हवाले से अच्छा मैं पूछने आया हूँ तुम अपना खाने पीने का हर वक्त सिर्फ भूख लगा हुआ रहता भाई क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पर स्टमक के हवाले सुबह तो सबको भाई ये बताइए कि क्या रिव्यू है कस्टमर का क्या रुझान है आपकी तरफ आ रहे आज पहला दिन है कल करेंगे इनका इंटरव्यू सही से कल पता चल जाएगा कि क्या सीन है फिर अगली दफा फराज को लगा के दे देंगे जिंगर नहीं नहीं वो काम सेट हो गया अब आपको लगा के देंगे कौन सा भाई जिंगर बर्गर और उसके साथ फराज भी लगा के दे देंगे ठीक है भाई वो मेरी जिम्मेदारी मैं आपको लगा के दे दूंगा आगे दूंगा है ता भाई क्या बोल लेते आप क्या लगा के देंगे जरा बोलिए जिंगर बर्गर लगा के दूंगा भाई मैं आपको और क्या चाहिए नहीं जिंगर बनकर अभी जो है ना डेकोरेशन वाले के पास रेस्ट चल रहा है इतने चौड़े भाई बात नहीं कर रहे अबे वो डेकोरेशन के नाम पे भुट्टा बेच हाँ तो भाई फरहाद आज तुम बिल्कुल टोपी ओपी लगा के टोपी किसके लिए ये बता दो बस टोपी किसके लिए तुम्हारा तो लिया टोपी तो ले ली लेकिन लगाए क्यों थे ये बता तुम सबको टोपी पहना तो आज मेरे को ही पहना टोपी पहना के बेटा तुमको अच्छी फांस लेके गया था बयान वयान सुनाया हो ताकि तुम्हारे दिल में बयान उतरे और आप अच्छे अच्छे काम पे अच्छे ना मेरे तरह जी वो तो बंदा बोलता है ना पता है जब बंदा अच्छा काम करता है ना तो पीछे से कोई ना कोई कीड़ा करता है उसको बोलते हैं लोगों को कीड़ा हो गया वीडियो बना रहे गलत काम थोड़ी ना कर रहा जो नहीं आ सकता वो देखेगा वीडियो के जरिए देखेगा आज की वीडियो आप लोग को शेयर करना है रोज़ मैं यही बोलता रहता हूँ लेकिन आप आज ये बात तुम बोल दो हाँ आज मैं बोलता हूँ आज तुम मेरी जगह लिए मैं तुम्हारी जगह तो गाइस आप सबको शेयर करना है लाइक करना है और कमेंट भी करना है और जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए 1000 करवा दीजिए जल्द से जल्द अगर क्या एक टाइम देते हैं ना यानी कि एक महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर बताइए 1 महीने में तो नहीं होगा तो एक साल का टाइम एक साल भी नहीं 30 साल का वो बोलते नहीं मूवी में बाबू भाई कम से कम 30 साल का तो टाइम 30 साल का तो टाइम देना चाहिए हाँ ना अब्दुल्ला कर देंगे सारे 1 महीने में कर देंगे अब्दुल्ला ने बोल दिया अब्दुल्ला भाई भी मेहनत करवाएंगे सबसे और मैं तो करता रहता हूँ मेरे से सब परेशान भाई ये बताइए मैं कैसा लगा टोपी पहन के आप मैं क्या बोलूँ अभी ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बहुत खूबसूरत के बाद कितने दिन बाद पहना होगा टोपी बात तो कल खूबसूरत लगी है तुम खूबसूरत असल में कल आपको ये बिल्कुल एक मुसलमान तो है एक बिल्कुल यानी कि रिवायत वाला हबीबी लगेगा हबीबी लगेगा बाकी में क्योंकि ये गमछा वमछा बांधने का बोला
गमछा बांधूंगा मैं क्योंकि तबलीगी इस्तेमा में जाऊंगा। और अभी बता दिए सब शलवार कमीज में, सिर्फ मैं पैंट शर्ट में गया हुआ हूँ। नहीं इतना अजीब लग रहा था, वैसे भी ये पहनता ही नहीं है ना, इसके ऊपर जचता नहीं है ये कहता है, लेकिन हम लोग के ऊपर देखिए माशाल्लाह हम लोग खूबसूरत बच्चे, हम लोग के ऊपर अच्छा लगता है शलवार कमीज। लेकिन कल पहनेगा ये और हबीबी लगेगा, हबीबी कम टू दुबई, नहीं नहीं कम टू इस्तेमा, दुबई जाने की औकात नहीं है। अबे बहुत लंबा हो गया, चलो आज की वीडियो बस यही, अल्लाह हाफिज। बहुत ज्यादा लंबी हो गई, लंबी बहुत लंबी करती है, आप लंबी कर रहे हो आज। अच्छा मैं करो, चलो अल्लाह। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख।